बिहार में राज्यपाल महोदय और सरकार में कभी टकराव नहीं रहा है और ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो बड़ा स्पष्ट लगता है कि दलित वर्ग से महामहिम राज्यपाल आते हैं तो सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखे हुए। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज राजधानी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि मनाई गई। बताते चले आपको कि लोहिया स्थित पार्क में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। इस दौरान आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी ने कहा कि कैसे देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक रहा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का विकास किया गया। 1974 आंदोलन के नेता और भारत को श्रेष्ठ बनाने में नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग और राजभवन के टकराव पर बोले प्रदेश सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार सबसे बड़ी लड़ाई करना चाहती है, मिलकर काम करना चाहिए, लड़ने से कुछ नहीं होता है। बिहार में राज्यपाल महोदय और राज्य सरकार में कभी टकराव नहीं रहा, लेकिन जो स्थिति है क्योंकि राज्यपाल दलित वर्ग से आते हैं इसलिए सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रख रही है, कहते हुए नजर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। इसी के साथ साथ जो तस्वीर आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं वो तस्वीर लोहिया स्थित पार्क की है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। पुण्यतिथि पर आज हम लोगों ने उनके पुष्प आयोजन करने का काम किया और याद किया कि इस देश को कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का काम किया, टेक्नोलॉजी के स्तर पर कैसे पूरी देश की व्यवस्था को ठीक किया। और आर्थिक व्यवस्था आज यदि हमारी अच्छी है तो उसमें अरुण जेटली जी का एक बड़ा योगदान है। पूरे लॉ फैकल्टी में पूरे देश को अच्छा करने का काम आदरणीय अरुण जी ने किया। 74 आंदोलन के नेता और लंबे समय तक संघर्ष करके इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में नरेंद्र मोदी जी का साथ देते रहे। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह के एसटीईटी के बच्चे ने पास करके 80,000 लोग पास हुए और उसके बाद भी बीपीएससी लगातार इसके लिए अड़ा हुआ है कि हम परीक्षा लेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नौजवान जिसने परीक्षा पास किया है उसको तुरंत नौकरी देना चाहिए, मैं जरूर आग्रह करूंगा। क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री के पाठक का नाम सुनकर मीडिया से भागते हुए नजर आते हैं? देखिए, जो स्थिति है सरकार की वो सबसे लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ने से कुछ नहीं होता है। यदि मिलकर विकास करने की चर्चा करें तो वो ज्यादा अच्छा है। बिहार में राज्यपाल महोदय और सरकार में कभी टकराव नहीं रहा है और ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो बड़ा स्पष्ट लगता है कि दलित वर्ग से महामहिम राज्यपाल आते हैं तो सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखे हुए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सुन रहे थे, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि बिहार सरकार पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि जिस तरीके से राज्यपाल महोदय के साथ व्यवहार किया जा रहा है ये अशोभनीय है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार इसलिए उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है क्योंकि वो दलित वर्ग से आते हैं। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।